सो हेलो एवरीवन, फ्लैश का आज मैं एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फ्लैश अब सेंट्रल सिटी का एक सुपर हीरो बन चुका है, और ज्यादा ना बकवास करते हुए चलते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पर, जहाँ पे आयरिस और बैरी एक मूवी देख के बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पे आयरिस बैरी से सिर्फ फ्लैश के बारे में बात कर रही होती है। तभी आयरिस को एडी का फोन आ जाए, जिससे बात करने के लिए वो साइड में चली जाती है, जिसके बाद में एडी को भी डॉक्टर कैथरीन का फोन आ जाता है, जो कि बताती है कि एक चोर काफी सारी गन चुरा के सिटी से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही है, जिसके बाद में बैरी उस चोर को पुलिस की वैन में रख के चला जाता है और वापस से आयरिस के पास में आ जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम एक गैंगस्टर फैमिली को देख पाते हैं, जो कि साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक ग्रीन कलर की गैस आ जाती है, जो कि गैंगस्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को एक एक करके मार डालती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम बैरी और जोए को देख पाते हैं, जहाँ पे जोए बैरी के पिता के केस को रीओपन करने का सोच रहा होता है और कहता है कि हम दोनों मिलके तुम्हारे पिता को तुम्हारे मोम के झूठे इल्जाम से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद में वहाँ पे एडी आ जाता है और उन्हें कल के मौत के हादसे के बारे में बताता है। जिसके बाद में जब वो दोनों उस इंसिडेंस वाली जगह पे जाते हैं, रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि इन सबको एक जहरीली गैस से मारा गया है, लेकिन अगर इन्हें जहरीली गैस से मारा गया है तब इन्हें एक साथ मारे जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सबको एक एक करके मारा गया है, जहाँ पर इन दोनों कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद में ये दोनों स्टार लैब में पहुँचते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद हमारा अगला मेटा ह्यूमन हो सकता है, जहाँ पर जोए कहता है कि हम सभी मेटा ह्यूमंस को मार तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें कैद तो कर सकते हैं। जिसका आइडिया डॉक्टर हेनरी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सिस्को उन्हें कैद करने के लिए सबसे अच्छी जगह बताता है। वो कहता है क्यों ना हम वहाँ पे जेल बनाएं जहाँ पे पार्टिकल एक्सीलरेटर था, क्योंकि वो जगह अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और वो सबसे बड़ी जगह भी है। जिनकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर कैथरीन फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि करीब 9 महीने पहले डॉक्टर कैथरीन के फियोंसे रोनी की जान चली गई थी, जहाँ पे डॉक्टर कैथरीन इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देख रोनी के साथ अपना हनीमून प्लान कर रही होती है, जहाँ पे सिस्को डॉक्टर हेनरी को कहता है कि एक तूफान हमारी तरफ आ रहा है, हमें एक एक्सपेरिमेंट कुछ देर बाद में स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पे डॉक्टर हेनरी कहता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके सिस्टम में रेड अलर्ट आने लग जाता है और इसी के साथ ये फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद में डॉक्टर कैथरीन बैरी के साथ उसके ऑफिस में जाती है, ताकि वो दोनों उस ग्रीन गैस के बारे में पता लगा सकें, जो कि उन लोगों ने डेड बॉडी से इकट्ठा किया था। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव जोए की तरफ, जो कि अपने घर में बैठकर बैरी के पिता की फुटेज देख रहे होते हैं, ताकि उसे कुछ सबूत मिल सकें। जहां पर कुछ ही देर बाद आयरिस से मिलने के लिए एडी पहुंच जाता है, जहां पर वो जोए को देखकर किसी और केस के बारे में ही बातें करने लग जाता है। लेकिन जब जोए घर से बाहर जाता है, तब एडी आयरिस से कहता है कि तुम्हें अपने डैड को हम दोनों के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन आयरिस ऐसा नहीं चाह रही, जिससे गुस्सा होकर एडी वहां से चला जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हैरिसन और सिस्को की तरफ, जो कि पार्टिकल एक्सीलेटर वाली जगह की जांच कर रहे होते हैं वहां पर मेटा ह्यूमंस की जेल बनाने के लिए, और सिस्को को उस हिस्से को देखकर फ्लैशबैक याद आ जाता है। उसे याद आता है कि जैसे ही रेड अलर्ट का सिग्नल आया था, रोनी जो कि स्टार लैब का एक चीफ इंजीनियर था, रेड अलर्ट मिलते ही उसे ठीक करने के लिए चला जाता है और उसका गेट भी बंद कर देता है, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो अकेला ही मरे, किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद में सीन वापस आता है प्रेजेंट में, जहाँ पे कैथरीन और बैरी उस ग्रीन पॉइजन गैस के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि पहली बार जब सैंपल लिया गया था तब उनके शरीर के अंदर पॉइजन पाया गया था, लेकिन जब दूसरी बार सैंपल लिया गया तब वो पॉइजन वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे कि वो भाप बन के उड़ गया हो। जिसके बाद में इन्हें पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि ये सब भी मेटा ह्यूमन ने किया है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल सिटी के मॉल में, जहाँ भी एक जज एक लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है, वहीं पर एक बंदा भी आ जाता है जो कि पूरी तरीके से टकला था और अपने आप को उसी जहरीले धुएं में कन्वर्ट करके उस जज के शरीर में चला जाता है और उसे मार देता है।
जिसके बाद में ये न्यूज बैरी तक भी पहुंच जाती है और बैरी सीधा उसे रोकने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है, जहाँ पे वो बंदा बैरी से कहता है कि मेरा अब एक और शिकार बाकी है, तुम मेरे पीछे मत आओ। जहाँ पर बैरी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन उसका पंच उसके शरीर से आर पार हो जाता है, जिसके बाद में वो जहरीले धुएं में कन्वर्ट होके बैरी के शरीर के अंदर घुस जाता है और वहां से चला जाता है, जहां पर बैरी अब जैसे तैसे करके स्टार लैब तक पहुंचता है, जहां पर कैथरीन भी उसकी जान बचा लेती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम आयरिस को देख पाते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आई होती है और एडी से माफी मांग रही होती है उससे बुरी तरीके से बात करने के लिए, और कहती है कि मैं अपने रिश्ते के बारे में अपने डैड को जल्दी ही सब कुछ बता दूंगी। जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक स्वीट सा मूवमेंट बनता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्को को बैरी के लंग से एक सैंपल मिलता है, जहाँ पर उस सैंपल के ऊपर सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि दवा उन कैदियों को दी जाती है जिन्हें मौत की सजा सुनाई जाने वाली होती है। जहाँ पे 9 महीने पहले सेंट्रल सिटी में कायल नाम के शख्स को मौत की सजा मिली थी, जो कि टर्बेरियन फैमिली के लिए काम किया करता था, जिन्होंने इसे धोखा देकर जेल में भिजवा दिया था, यानी कि वो फैमिली जिसे काल ने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही मार दिया था, और जिस जज ने काल को मौत की सजा सुनाई थी उसे भी काल ने मार दिया है। अब उसका एक आखिरी शिकार बचा है, यानी कि जिसने उसे अरेस्ट किया था, और उसे अरेस्ट करने वाला शख्स और कोई नहीं डिटेक्टिव जोए है। जहाँ पे बैरी एडी से जोए का पता पूछता है और उसे पता चलता है कि जोए उसके डैड से मिलने के लिए जेल में गया है। जहाँ पे जोए जब बैरी के डैड के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पे काल भी पहुंच जाता है और उसे मारने के लिए उसके शरीर के अंदर गैस छोड़ देता है। जहाँ पर बैरी भी अब फ्लैश के कॉस्ट्यूम में वहाँ आ चुका था, जहाँ पे फ्लैश जोए को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद में इस एपिसोड का सबसे ज्यादा खतरनाक सीन आता है, जहाँ पे काइल और फ्लैश की लड़ाई होती है, जहाँ पे फ्लैश काइल को ठकाने की कोशिश करता है, क्योंकि बाकी बेटा ह्यूमंस की तरह काइल भी अगर अपनी पावर्स का ज्यादा यूज करेगा तो काफी ज्यादा थक जाएगा और उसके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि वो दोबारा अपनी पावर्स का यूज कर सके। जहाँ पे फ्लैश फाइनली काइल को हरा देता है और उसे सीधा स्टार लैब की उसी जेल में बंद कर देता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम जोए को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहाँ पे आयरिस उसे मिलने के लिए आती है और अपने और एडी के रिश्ते के बारे में उसे बता देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम हेनरी को देख पाते हैं, जो कि फ्लैश के सूट को देख रहा होता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं जहाँ पे डॉक्टर हैरिसन को पता चलता है कि रोनी ने सिस्टम में आई गड़बड़ी को ठीक कर लिया है। जिसके बाद में डॉक्टर हैरिसन उसी रूम में जाता है जिसे हमने इस सीरीज के एपिसोड 1 में देखा था, और वहां पर जाकर एक मशीन के ऊपर अपना हाथ रखता है, जहां पर एक क्लिप स्टार्ट हो जाती है। वहां पे हम बैरी को देख पाते हैं जिसके ऊपर पार्टिकल एक्सीलेटर की एक बिजली आके गिरती है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरिसन बेल कहते हैं, जहां पर डॉक्टर हैरिसन हंसते हुए बोलता है हम बहुत ही जल्द मिलेंगे फ्लैश। तो दोस्तों इसके अगले का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और एक छोटा सा कमेंट भी इस वीडियो में दे दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं फ्लैश के नेक्स्ट एपिसोड में। See you soon!